नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि आज का ये वीडियो सभी राज्य के आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आज का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं वो नई दिल्ली की खबर है, जिसमें कि जो नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी आंगनबाड़ी के बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक, उन बच्चों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, तो उन्हीं सुविधाओं को पहुंचाने के तात्पर्य से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बस सेवाएँ उपलब्ध कराई जाए। नई दिल्ली की जो नई पहल है, ये पहल अगर सफल हो जाती है तो उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी राज्यों में इसकी पहल की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही हो, नई दिल्ली से निकल के आ रही है, 6 वर्ष तक के बच्चों तक पहुँचेगी आंगनवाड़ी की बस। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो न्यूज़ छपी है वो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर डेट भी दिखा दे रहा हूँ, 11 अक्टूबर 2021 शाम को 8 बजे इस न्यूज़ को हिंदुस्तान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए व्यूअर जो भी आ रहे हैं हमारे चैनल पे, अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी आपके द्वार बस लॉन्च की है, जो इससे जुड़े बच्चों तक पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि जो बच्चे किसी वजह से आंगनबाड़ियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक पोषक आहार उपलब्ध कराने के साथ ही शैक्षणिक व स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को भी पूरा करेगी। तो जैसे कि जो भी आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उन तक पोषक आहार, शैक्षणिक सुविधाएँ नहीं पहुंच पाती है, इसके लिए इस बस को लॉन्च किया गया है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये जो कार्यक्रम है, जो जिसकी शुरुआत की गई है, उसका नाम है ऑन व्हील्स। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक बच्चे को बेहतर सुविधा देने के प्रति नई दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। यह अनूठा प्रयास है जिसके जरिए 0 से 6 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को आंगनवाड़ी से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तो ये जो पहल है बहुत ही अच्छी पहल की गई है। जैसे कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों तक योजना को पहुँचाना है, जिससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। हर बच्चे की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बसों के माध्यम से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कर्मी 6 साल तक के बच्चों तक पहुंचेंगी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बसों के माध्यम से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कर्मी, यानी कि जो बसों से आंगनबाड़ी कर्मी जाएंगी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बाल सुधार को लेकर सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में विभाग ने वर्ष 2021 में सहेली समन्वय केंद्र यानी कि SSK के माध्यम से बालिकाओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए एकीकृत हब की शुरुआत की। इसके पहले चरण में 101 SSK और दूसरे चरण में 354 SSK संचालन किया गया। SSK मतलब हुआ सहेली समन्वय केंद्र, जो कि 2021 में इसकी शुरुआत की गई है और जो कि दो चरणों में इसकी शुरुआत की गई है। पहले चरण में 101 सहेली समन्वय केंद्र को चलाया गया है और दूसरे चरण में 354 SSK संचालन किया गया है। इन सहेली समन्वय केंद्रों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 50 क्रेच और डे केयर सर्विसेज को भी जोड़ा गया है।
कार्यक्रम में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी शामिल थी। ऐसे कहें तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, अब जो ये लक्ष्य चलाया गया है कि जो अंतिम छोर तक रहने वाले बच्चे हैं या लोग हैं उन तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये नया पहल कैसा लगा? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।